दोस्तों, आज की कहानी है बहू, तुम अपनी भाभी से बात करती हो तो ननद से क्यों नहीं करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सहरा सब कुछ व्यक्त कर देता है नंदिनी, तुम कितना भी मुझसे छुपाने की कोशिश करो, पर तुम्हारे सहरे से पता चलता है कि कुछ तो बात हुई है। मुझे अपनी भाभी नहीं बड़ी बहन समझकर ही दुख साझा करो, शायद तुम्हारा मन हल्का हो जाए और कुछ उपाय निकल आए। कुसुम वीडियो कॉल पर अपनी ननद से बोल रही थी। नंदिनी बोली, कुछ नया नहीं है भाभी, कुछ दुखों से तो आप भी अपने जीवन में गुजरी होंगी, परंतु आपके साथ ये नहीं होता, क्योंकि भैया समझदार हैं, वो समझते और दोनों पक्षों को सुनते हैं, फिर फैसला करते हैं। परंतु यहाँ परिस्थिति कुछ अलग है। कुसुम बोली, खुलकर बताओ बात क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो बोली, भाभी कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये अच्छे बेटे तो हैं, परंतु अच्छे पति होने का फर्ज कब निभा पाएंगे, और वो रोने लगी। कुसुम बोली, आज तक रोने से कभी किसी चीज का हल निकल पाया है? तुम इतनी समझदार हो, फिर रो क्यों रही हो? अच्छा बताओ कि बात क्या हुई है? नंदिनी बोली, जब भी ये अपने परिवार की कुछ बातें करते हैं, मैं बड़े ध्यान से सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा सुझाव ही दूँ, परंतु मेरी कही हुई हर बात को ये अपनी माँ को बता देते हैं, फिर शक की निगाहों से ही देखते हैं। कुसुम बोली, वो कैसे? अभी 4 दिन पहले की बात थी, जब मैं आपसे बात कर रही थी तो मेरी सास ने मुझे फोन किया था। मैं सोचे आपसे बात कर लेती हूँ, फिर उनसे बात करूंगी। उतनी ही देर में उन्होंने सुजीत को फोन करके कहा कि बहू मेरा फोन नहीं उठा रही है। शाम में जब ये ऑफिस से आए, मानती हूँ काम की थकान भी थी, परंतु उस बात ने आग में घी का काम किया और बेमतलब का हम दोनों में झगड़ा करवाया था। भाभी बोली, इसमें तुम्हारी सास की गलती उतनी नहीं जितनी तुम दोनों की है। आपसी समझ में किसी तीसरे का क्या काम है? अगर कोई कुछ बोलता है तो सही, और गलत का फैसला तो हम खुद करते हैं। मानती हूँ सुजीत जी गलत थे। तुम थोड़ी देर शांत होकर उनकी बात सुन लेती और बाद में उन्हें अपनी बात बतलाती तो शायद वो समझते। कभी कभी दिल से ज्यादा दिमाग चलाना पड़ता है।
बोली, अब मैं क्या करूं भाभी, जब मैं गलत नहीं थी तो कैसे। सुनती वो बोली, गलत तो तुम नहीं ही थी, परंतु सामने वाले की मनोस्थिति कैसी है इसका भी तो अंदाजा तुम्हें नहीं था। अब अपना मूड ठीक करो और अपनी मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर सजाओ और सारे दुख को भूल जाओ। कुछ देर बाद दोनों ननद भाभी ने फोन रख दिया पति पत्नी के बीच। जब तक कोई तीसरा नहीं आता उनके संबंध अच्छे ही होते हैं। नंदिनी की सास अपने दूसरे बेटे के पास कुछ दिनों के लिए रहने गई तो व्यस्त हो गई थी। इस बीच उनका फोन कम आता तो पति पत्नी के बीच में बातचीत हुई और सारी गलत फहमियां दूर हो गई। खुशियां कहां एक जग टिक रहती हैं, वो तो अपनी जग बदलती रहती हैं। सास वहां से सीधा नंदिनी के घर पर ही आई। वो खुश थी क्योंकि घर का माहौल भी अच्छा था, सास से कोई बैर तो था नहीं, तो उसने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया, जिसे देख सुजीत भी बहुत खुश थे। 3-4 दिन तो सब बहुत अच्छा चला, परंतु उसके बाद उसकी सास छोटी छोटी बातों में टोका टाकी करने लगी। इतनी देर बाजार में क्यों लगा दी, अपनी भाभी से इतनी देर बात करती हो, कभी अपनी ननद से भी बात कर लिया करो। सुजीत खाने में पहले तो ये नहीं खाता था, तुमने उसकी हर अच्छी आदत को बदल दिया है। ये सब बातें सुनते सुनते नंदिनी की खुशी फिर से उदासी में बदल गई। पुरुष काम का बोझ फिर भी सह लेते हैं, परंतु घर की छोटी छोटी परेशानियों को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जब किसी तीसरे की दखलंदाजी से उनकी बातों का इतना असर होता था, अब जब सामने ये सब बातें हो रही थी तो सुजीत उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। पुरुष के लिए पत्नी से कमजोर और पत्नी से ज्यादा प्रिय सखा कोई नहीं होता, जिस पर वो अपने मन की सारी भड़ास निकाल पाता है। ऐसा नहीं था कि वो हर बात को समझते नहीं थे, परंतु एक को खुश करने में दूसरे को दुखी कर जाते थे। एक रोज सुबह सुबह ही माँ ने महाभारत शुरू कर दी। सुजीत उठा और बोला, जी चाहता है काम के बाद ऑफिस में ही रह जाऊं। सुबह सुबह आप लोग घर में कलेश शुरू कर देते हो। माँ बोली, तेरी बीवी तो मालकिन बनकर बैठी है, मेरी तो एक बात ही नहीं सुनती है। जब देखो अपने मायके के नियम कानून या सलाना सहाती, जैसे मैं कोई तीसरी हूँ। सुजीत सुनते सुनते बोले, माँ जब आपकी शादी हुई थी
तो घर में कोई नहीं था, आपने वहां अपनी सलाई हमारी शादी के बाद। जब हम साथ रहते थे तब भी आपकी ही सली। अरे इन लोगों को अब अपनी अपनी गृहस्थी संभालने दो, क्यों दखलंदाजी करती हो? अब तक घर में हमेशा शांति ही रहती थी, परंतु छोटी छोटी बातों को अगर आप इतना बढ़ाओगी तो कैसे कोई शांति से काम धंधा कर पाएगा? यहाँ कोई तीसरा नहीं है, सब घर के ही लोग हैं। इस बात को कब आप समझोगी? इतना बोलकर वो चला गया। अगले दिन सुजीत के बड़े भाई अजीत का ऑफिस में फोन आया तो सुजीत ने सारी घटना बताई। वो बोले, माँ यहाँ भी जब आती हैं हर छोटी बात को बड़ा कर देती हैं। उनके जाने के बाद हम दोनों में लड़ाई होती रहती है। अब क्या करोगे? माँ है, संभालना तो पड़ेगा ही। पापा होते तो ये दिक्कत ना होती। करीब एक महीना हो गया, नंदिनी की सास बोली, मेरा मन नहीं लगता यहाँ, मुझे अब घर जाना है। मैं एक जगह ज्यादा दिन नहीं रह सकती। सुजीत ने भी देर नहीं की, माँ को घर पर छोड़ने चला गया। वहां से आया तो नंदिनी से पुरानी बातों के लिए माफी मांगा और बोला, इन सब बातों से हमें कुछ सीखना चाहिए। कल को हमारे बेटे की बहू आए तो हम भी कहीं ऐसा व्यवहार ही ना करें। और उन दोनों के बीच कहीं हम तीसरे ना बन जाए। इन बातों का ख्याल हमें अभी से रखना होगा। कुछ दिनों बाद नंदिनी ने सारी घटना अपनी भाभी को बताई। वो बोली, पति पत्नी में सामंजस्य होना बहुत जरूरी हैं। अगर वो तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं तो तुम भी उनकी भावनाओं को समझो और कोशिश करो कि 20-20 में तुम सब लोग सास के पास चली जाओ, क्योंकि वो उनकी माँ है। उनके प्रति बेटे का प्यार और फर्ज निभाने में अपने पति कि तुम ही मदद करो। वो बोली, आपने सही कहा भाभी, जब तक घटना खुद के साथ ना घटी हो लोगों को समझ में नहीं आता। मैं अपने फर्ज को निभाने में कभी पीछे नहीं हटूंगी और कभी आप सबको शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। दोस्तों, कभी भी अपने किसी भी रिश्ते में किसी तीसरे को आने का मौका ना दे। और अगर कोई तीसरा आप को कुछ सुझाव देता है तो उसमें भी आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, तभी कोई रिश्ता आगे चल पाता है।